कोतवाली राठ क्षेत्र के ग्राम ददरी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों के वारों से पांच महिलाओं सहित चार लोग घायल हो गए। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। फायरिंग में दो पक्षों से एक महिला व एक पुरुष गोली लगने से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस बल के आला अधिकारियों ने मामले की जांच करते हुए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से दो महिलाओं और एक युवक की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी रेफर कर दिया। यही पूरी वारदात दो हिस्ट्री शीटरों की शय पर हुई है, जिन पर चंद रोज पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला अधिकारी ने बड़ी कार्यवाही की थी। जानकारी अनुसार पृथ्वीराज और विनोद के बीच सरपंच चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए हिस्ट्री शीटर उमेश यादव और अखिलेश यादव और जगबान यादव शय पर यह विवाद हुआ, जिन पर चंद रोज पहले जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी करोड़ों रुपए की सारी संपत्ति सीज कर दी थी। ये दोनों भाई हत्या लूट अपहरण जैसे कई मामलों को वांछित हैं और पुलिस के डर से काफी समय से फरार भी चल रहे थे, लेकिन इस पूरी घटना में दोनों भाई मौजूद रहे, जिनका वीडियो में देखा जा सकता है। दोनों भाई घटना को अंजाम देकर फिर से फरार हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर घंटों तक दोनों हिस्ट्री शीटर भाई खुलेआम घूमते रहे और घटना को अंजाम देकर फिर फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार हिस्ट्री शीटरों से षड्यंत्र के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके पीछे कस्बे के कुछ संप्रभात व्यक्ति को फंसाने की साजिश रची गई है।